सीट नंबर 2 के कमरे के अंदर खाना है और लड्डू बाबू खाने के लालच में थोड़ा अंदर गए हैं, पर बार बार बाहर निकल कर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है अंदर जाके बैठने में खतरा है। यही तो होता है इस जीव की खासियत। जैसे इंसान खतरे को भांप लेता है, सिमिलरली लड्डू भी खतरे को भांप लेता है। अब यहाँ पर ये फीडर भैया इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही लड्डू अंदर जाए कि वो दौड़ के जाएंगे और दरवाज़ा बंद करेंगे। लेकिन देखते हैं कि इस मैच के अंदर इंसान की जीत होती है कि लड्डू की जीत होती है। ये वह रेस है जहाँ जानवर एक बार में 6 बच्चे पैदा करके आबादी बढ़ा रहा है और इंसान नसबंदी करके उसकी आबादी रोकने के अंदर में प्रयास कर रहा है। देखने वाली बात यह है कि इस रेस के अंदर में इंसान जीतेगा कि लड्डू जीतेगा। और इस समय लड्डू ने अपना पेट भरने के लिए पूरा भोजन खाने के बाद फिर से बाहर निकल गए हैं। तो बहुत ही मुश्किल काम है कि ये लड्डू इस कमरे के अंदर जा पाएंगे और पैक हो पाएंगे कि नहीं। प्रयास पूरे जारी है, आपको रनिंग कमेंट्री दी जा रही है और कोशिश करी जा रही है कि हम आपको सिखा सकें कि डॉग को पकड़ने के लिए क्या प्रयास करने पड़ते हैं। और जब तक जन भागीदारी द्वारा ऐसे काम नहीं करे जाएंगे तब तक डॉग की आबादी बढ़ती रहेगी और डॉग की आबादी बढ़ेगी तो क्रूरता का अभ्यास बढ़ेगा। इसलिए ये बात समझाई जा रही है कि प्रयास सबको करने पड़ेंगे, मिलजुल कर के प्रयास होंगे तब जाकर के इस समस्या के ऊपर इंसान की जीत हो पाएगी। दौड़ के जाइए सर, दौड़ के। सर गया, उसको ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है कि उसको कोई देख ही नहीं रहा है। तो यदि ऐसे काम के लिए सरकार इंसेंटिव भी देना चालू कर देना तो काफी लोगों को एंजॉयमेंट रहे, फन रहे। वो फिर बाहर आ गए।